उदयपुर पोस्ट की आज की खबरों में जाने से पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। उदयपुर में गुरुवार से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, कलेक्टर चेतन देवड़ा को लगा पहला टीका। भिंडर में फिर कांग्रेस भाजपा गठबंधन होगा अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ शुरू। उदयपुर में सितारों का जमघट, अनिल कपूर कैटरीना कैफ शूटिंग के लिए, जबकि इरफान पठान और कॉमेडियन कुणाल कामरा छुट्टियां बिताने लेक सिटी पहुंचे। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोटड़ा छावनी की बाइक चोर गैंग के मुख्य सूत्रधार शकील शेख को पुलिस ने दबोचा, तीन गुर्गे भी गिरफ्तार। और राम मंदिर निर्माण के नाम पर लोगों को लूट रहे भाजपा आरएसएस कार्यकर्ता। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। गुरुवार को उदयपुर में राजस्व विभाग के 850 अधिकारी कर्मचारियों को टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस दौरान उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कोरोना का पहला टीका लगवाया, जिसके बाद एडीएम प्रशासन ओपी बनकर को दूसरा और एडीएम सिटी अशोक कुमार को तीसरा टीका लगाया गया। उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय भी, लेकिन जनता में इसको लेकर काफी भ्रांतियां हैं। ऐसे में मैंने सबसे पहले टीका लगवाया है ताकि आम आदमी की भ्रांतियों को खत्म किया जा सके। कलेक्टर ने बताया कि द्वितीय चरण के टीकाकरण के तहत फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें पहले चरण के तहत राजस्व विभाग के 850 अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए जिले में 16 सेंटर तैयार किए गए हैं, जिसके बाद 5 और 6 फरवरी को स्थानीय निकाय के 2,597 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद में 6 और 7 फरवरी को पुलिस विभाग के 2,979 अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। बता दें कि उदयपुर में पहले चरण का कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो गया है, जिसमें 29,592 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जा चुका है। ऐसे में अब राज्य सरकार के आदेश के बाद उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत राजस्व विभाग, नगर निकाय विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के ग्राफ में कमी आ रही है। बुधवार को उदयपुर में कोरोना वायरस से ग्रसित 6 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11,794 के आंकड़े पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अब तक 11,378 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में उदयपुर में अब कोरोना के 298 केस ही एक्टिव बचे हैं। उदयपुर के भिंडर नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। 25 वार्ड की भिंडर नगरपालिका में जनता सेना ने जहां 13 वार्ड में जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस ने 10 और बीजेपी को 2 वार्डों में जीत मिली है। ऐसे में बहुमत जनता सेना के पास है, जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए जनता सेना की ओर से निर्मला भोजावत को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने किसी भी अधिकृत प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती लता चौबीसा और मोनिका साहू ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद से ही कया शुरू हो गए हैं कि भिंडर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। भिंडर नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर जनता सेना ने निर्मला भोजावत को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रही जनता सेना की कल्पना व्यास ने बगावत कर दी थी। इसके बाद रणधीर सिंह भिंडर को मान मनोहर कर मामला शांत करवाना पड़ा। अब इसी बगावत का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जोड़ तोड़कर भिंडर नगरपालिका में जनता सेना को टक्कर देने की तैयारी में जुटी है। रणधीर सिंह भिंडर ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन कर जनता सेना को हराने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन भिंडर में ऐसा नहीं होगा और जनता सेना के उम्मीदवार को जीत मिलेगी। रणधीर सिंह ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव से पहले जनता सेना की लोकप्रियता देख बीजेपी और कांग्रेस के नेता परेशान होने लगे हैं। ऐसे में जनता सेना को शिकस्त देने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक जाजम पर आने लगे हैं। झीलों के शहर उदयपुर में इन दिनों सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। बॉलीवुड कलाकारों के साथ ही क्रिकेटर और कॉमेडियन भी उदयपुर में छुट्टियां बिता रहे हैं। उदयपुर में अभिनेता अनिल कपूर, विवेक ओबेरॉय, ईशांत खट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी, अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ क्रिकेटर इरफान पठान और कॉमेडियन कुणाल कामरा भी पहुंचे हैं। अभिनेत्री कैटरीना कैफ, अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशांत खट्टर आगामी फिल्म भूत की शूटिंग के सिलसिले में उदयपुर में है। फिल्म की शूटिंग उदयपुर के पहाड़ी इलाकों के साथ ही सिटी पैलेस समूरबाग और पोलो ग्राउंड पर होगी। बॉलीवुड अभिनेता अपनी आगामी वेब सीरीज के सिलसिले में लेक सिटी में है। इस दौरान उदयपुर के जंगलों के साथ ही प्राचीन मॉन्यूमेंट्स में भी अनिल कपूर की वेब सीरीज के सीन फिल्माए जाएंगे। अभिनेता विवेक ओबेरॉय अपनी निजी यात्रा पर उदयपुर पहुंचे हैं। अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ उनकी मां यशोधरा ओबेरॉय भी मौजूद हैं। बॉलीवुड कलाकार सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर फोन भूत के सिलसिले में झीलों के शहर में है। इस दौरान ईशान और सिद्धांत दोनों ही सोशल मीडिया पर लेक सिटी उदयपुर की तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में कभी ईशान एक्सरसाइज करते तो कभी सिद्धांत के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। कुणाल कामरा इन दिनों लेक सिटी उदयपुर में घूमने आए हुए हैं, जहां पर वह झीलों के शहर में बोटिंग के साथ जायके दार व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
हमारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर गुजरात की साबरकांठा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के कोटड़ा छावनी का रहने वाला शकील शेख इस गिरोह का मुख्य सूत्रधार है। शकील को इसके तीन गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के पास से 52 दुपहिया बरामद हुए हैं। ये गैंग बाइक चुराने के बाद उसकी नंबर प्लेट तोड़ देती है, चेसिस नंबर भी घिस कर मिटा देती है। बरामद हुई 52 में से 14 बाइक का चेसिस नंबर घिस कर मिटाने का प्रयास हुआ है। जो बाइक बरामद हुई उसमें सिरोही पिंडवाड़ा की 7, स्वरूपगंज आबू रोड से 1, नादवारा 8, उदयपुर से 6, जबकि उत्तर गुजरात में साबरकांठा की 2, महसाणा की 12 व बनासकांठा की 1 बाइक है। 14 दुपहिया कहां की है, जांच की जा रही है। आरोपियों ने अपने अपने ठिकानों पर चोरी की बाइक को छुपा रखा था, जहां से बरामदगी की गई है। आरोपियों में शकील, रफीक शेख, नरेश नाथुभाई, शंकर भाई मेघवाल, छिपाला मोड़ी, गुमाराम पनियाराम बुमड़िया, रमेश बतिया भाई, जुमा भाई नागोत्तर को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके अन्य 4 साथियों की भी तलाश है। ये हैं बादल गमार, सुरेश परेश राम, राजू अंडा बमुड़िया और लसन शांतिया उदयपुर के निवासी हैं। यह गैंग 10,000 से 15,000 रुपए में चुराई हुई बाइक बेच देता है। मुख्य सूत्रधार शकील 6 साल से यह गोरख धंधा कर रहा है। 2 बच्चों का पिता है, 6ठी तक पढ़ा है। इसमें 2014 से दुपहिया वाहनों की चोरी शुरू की, बाज नाम से अपनी गैंग बनाई जिसमें 8 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि शकील को 1 साल पहले गुजरात पुलिस ने कोटड़ा पुलिस के सहयोग से इसके घर कोटड़ा से गिरफ्तार किया था। उस दौरान 45 बाइक उसकी निशानदेही पर बरामद की गई थी। ये शुरू में ठेले पर हर माल 10 रुपए में बेचा करता था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के मुद्दे पर अब छात्र संगठन NSUI और ABVP भी आमने सामने हो गए हैं। NSUI ने बुधवार को सुखाड़े विश्वविद्यालय से 1 रुपया राम के नाम अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा और RSS के कार्यकर्ताओं पर राम मंदिर के नाम पर लूट मचाने के आरोप लगाए। इस पर ABVP ने पलटवार करते हुए कहा कि अब तक जो लोग राम को काल्पनिक बताते रहे हैं वे अब उनके नाम पर 1-1 रुपया मांग रहे हैं। NSUI प्रदेश महासचिव कुशलेश चौधरी ने बुधवार को मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के अभियान की सुखाड़े विश्वविद्यालय से शुरुआत की। NSUI यह अभियान आगामी 15 दिन तक चलाएगी। चौधरी का कहना है कि भगवान श्री राम पैसों के नहीं बल्कि श्रद्धा के भूखे हैं। वे किसी वर्ग विशेष या समुदाय के ना होकर संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। इस पर सुखाड़े विश्वविद्यालय में ABVP के केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष निखिल राज सिंह राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा RSS के कार्यकर्ता हमेशा ही राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। NSUI के सभी आरोप निराधार हैं। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष चिराग का कहना है कि अभियान से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भगवान के लिए 1 रुपये खर्च करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1 लाख खर्च करने वाला है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।